अस्सलाम वालेकुम। दी रोलर कोस्टर के ताज़ा वी लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट अक्तस रसूल। अच्छा जी, आज जो मैं बात करना चाह रहा था, जो मैंने बड़े अरसे से महसूस किया है, जो आजकल ये पॉलिटिकल टर्माइल आया हुआ है हमारे मुल्क में, कि कुछ लोग कोई थ्योरी पेश करते हैं, कोई लोग कोई एनालिसिस पेश करते हैं कि जी अगर जो फॉर्मर गवर्नमेंट है उस यही कुछ ही अगर करना था प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, तो वो फॉर्मर गवर्नमेंट को रहने देते कि भी इतना जो है वो जाके अपने आप को बदनामी भी ली और इतना ज़्यादा अपने आप को जो है वो गिराया भी। कुछ लोग थ्योरीज़ में हैं, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी आके कहते हैं। तो असल में जो है, मैंने जो चीज़ महसूस की है ना, कि हमने जो है वो कभी किसी चीज़ के लिए जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग की ही नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस किया ही नहीं है। अगर हमारे जो है वो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, या हमारे जो पॉलिटिकल या कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ भी है, तो अगर ये सपोज हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, जो ये एग्जांपल हुई है जो ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, अगर फ़र्ज़ करें कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई थिंक टैंक होते, कोई उनका रिसर्च वर्क होता, कोई रिसर्च सेंटर होता, तो वो लाजमी उन लोगों को बताते कि जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने जा रहा था और उसके बाद पोस्ट कोविड आपका जो है वो इफ़ेक्ट्स आने थे, शॉक्स आने थे, तो वो कोई ना कोई लाजमी उनको प्रेडिक्ट करके गवर्नमेंट को बताते कि जनाब आप ये कभी अभी काम ना करें, अभी आप जिस सीट पर ना बैठें, अभी हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं होंगे, बस जल्दी 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 में जो है ठीक है यार, गवर्नमेंट मिल रही, चांस मिल रहा है, फटाफट बैठ के, और उसके बाद जो है वो जो डूबने की या नीचे को जाने की जो स्पीड है वो और तेज़ होगी। खैर, यानी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो जितना सोशल मीडिया है, हम लोग भी यूज़ करते हैं, हमारी यूथ भी यूज़ करती है, हमारी जनरेशन भी यूज़ करती है, फिर उसमें जो है वो हम लोगों का ज़्यादा जो फोकस होता है वो कॉपी पेस्ट पे होता है, लाइक या शेयर पे होता है। तो हम लोग जो है माजी में से लेके आज तक किसी भी दौर में इतना ज़्यादा खुले आम जो डाटा है ना, मुख्तलिफ चीज़ों का जो नॉलेज है ना, वो कभी भी अवेलेबल नहीं हुआ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हम फिर भी जो है वो हमारी यूथ या हमारी जनरेशन जो फिर भी उसको स्टडी नहीं करते, हम जो है वो ठीक है अपना लाइक और शेयर पे और कॉपी पेस्ट पे ज़्यादा जो है वो इक्तफा करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये एज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग, एज ए थिंक टैंक, एज ए रिसर्च वर्क जो है वो यूज़ करनी चाहिए। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको चाहिए कि जो थिंक टैंक का जो प्रोसेस है या थिंक टैंक बनाने का जो प्रोसेस है वो अपने हर इदारे में होना चाहिए, ताकि जो है वो जो ये थिंकिंग का प्रोसेस है, नई नई चीज़ों को फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, मसाइल के जो है वो हल का प्रोसेस है, या सबसे बेहतर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का जो प्रोसेस है वो आसानी से कर सकें, और आप जो है वो किसी नई मुसीबत में, नई मुश्किल में ना पेश आए, फंस जाएँ। तो हुआ भी इसी तरह ही है कि वहाँ पे जो है वो, यानी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो फटाफट आ गई, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही टेबल टर्न हो गया। हालांकि अगर किसी की भी जो है वो थिंक टैंक होता या किसी का भी रिसर्च वर्क होता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतना तो होता है जब हम 50-50 सालों के प्रोग्राम बना लेते हैं, 5 साल प्रोग्राम, 25 साल प्रोग्राम बना लेते हैं, तो हम 2 महीने के बाद को क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सके। तो बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, सबको जो है कोई विन विन पोजीशन तो हो गई, लेकिन नुकसान जो है वो हमारे पाकिस्तान का हुआ। इसी तरह सैलाब को ले लें, सैलाब को ले लें, हमने कभी कोई वर्कआउट किया ही नहीं, कोई रिसर्च वर्क किया ही नहीं है कि यार हमें किस जगह पे जो है वो आबादकारी करनी चाहिए, किस जगह पे नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे भी यही हाल है, फिर नुकसान हो जाता है। हम लोग जो है ना, हम लोगों में जो है वो जो एज ए पाकिस्तानी, हम लोगों में अब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत अच्छी है, हमें जो कुछ भी मिलता है ना, हमें जो कुछ भी वो जो है वो अपना नुकसान आती है, आफत आता है, कोई परेशानी आती है, हम उसको इतना अच्छा अच्छी तरह एब्जॉर्ब करते हैं कि वो हम जो है वो ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। बहरहाल इसी चीज़ के ऊपर जो है वो मैं जोर देना चाह रहा था कि हमें अपने घरों में भी अपने बच्चों को, अपने जो है वो छोटों को, यूथ को, दोस्तों को जब भी बैठना चाहिए ना, तो एक थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, एक थिंक टैंक की शक्ल में कुछ टाइम गुजारना चाहिए, जिसमें आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, किसी प्रॉब्लम को लेके उसको डिस्कस करें, किसी मसाइल को लेके उसको डिस्कस करें, तो फिर काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा। बाकी जो है वो ऊपर के लेवल पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि भाई हम जो है इतनी बड़ी बड़ी आफात को जो है वो देख रहे हैं, तो बस ठीक है, फिर मसल्ले पे बैठे हैं और दुआ करी जाते हैं, अल्लाह ताला दुआ को खैर वाफियत करेगा। बाकी जो है वो जो है आपका रिसर्च वर्क है,
आपकी जो क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं भाई, आजकल जो आपका जो क्रिकेट का चल रहा है, वर्ल्ड कप आने वाला है, तो वर्ल्ड कप में भी जो है वो यही कुछ ही है कि हमारी जो है वो रिसर्च वर्क ही नहीं है, हमने कोई देखा ही नहीं कि भाई हमें जो है वो क्या चीज़ करनी चाहिए। भाई हमें जो है वो, हम ये कहते हैं कि वो ओपनर आ जाएँ जो कम अज़ कम पहली 6 ओवर्स में इतना हिट तो करने वाला हो ना कि जो वो 30 मीटर का जो रेडियस है उसको तो क्रॉस कर ले। वो हम जो है वो ठीक है, बाबर और रिजवान जो है वो नंबर 1 जो है वो अपना है, लेकिन उनको वो उस पोजीशन पे फिट नहीं होते, उन 6 ओवर्स में फिट नहीं होते वो। ये मैं एक सिर्फ जो है वो क्रिकेट का खेलते आम खेलते रहे हैं, मैं को बहुत ज़्यादा कोई जो है वो प्लेयर लेवल का बंदा नहीं, लेकिन देखने का शौक है, पाकिस्तानी अवाम की तरह देखने का शौक है। अब हम वो कहते हैं आसिफ अली को आप भेज देते हैं, भाई आसिफ अली को ओपन करवा लो कि भाई वो 30 मीटर का रेडियस तो क्रॉस कर ही लेता है ना। आप जो वो 6 ओवरों में आके रोलिंग शॉट्स खेलना शुरू कर देते हो, उसके बाद जो है वो उसके बाद प्रेशर सारा टीम पे आ जाता है। हाँ, फास्ट बॉलिंग की आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, आपको पता है कि तेज़ विकेटों पे आपने जाना है, आपके जो है वो 4-5 बॉलर जो हैं वो ऐसे हैं जो अपना 140+ की जो है वो स्पीड से बॉल करते हैं और हर बॉल करते हैं, तो इसलिए जो है वो यही चीज़ है, कनेक्ट इसको करते हैं कि हर चीज़ में हर जगह पे आपका जो है ना वो रिसर्च प्रोसेस लाजमी है, रिसर्च होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। रिसर्च वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, रिसर्च कभी भी ख़त्म नहीं होगी, रिसर्च हर वक्त होती रहती है, हर वक्त होती रहेगी, और आपको जो है इसके लिए फंड्स एलोकेट करने चाहिए और अपनी जो है वो यूथ को, अपनी जनरेशन को, अपने ख़ास तौर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ लाजमी जो है वो रखनी चाहिए कि जी कम अज़ कम रिसर्च वर्क जो है ना वो ज़रूर हो, और छोटे लेवल से हो, लाजमी नहीं कि PhD लेवल पर जाके आपने रिसर्च वर्क देना है। तो बच्चों को आदत होनी चाहिए कि भी वो उनके उनके सामने कोई चीज़ रखी जाए और उसको जो है वो सोल्यूशन वो तलाश करें, मिल के करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उसका जो है वो एक थिंक टैंक की जो है ना फॉर्मेट में करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम।